हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड वाईटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी जीडीएस और उत्तराखंड जीडीएस रिजल्ट पर बात करने वाले हैं। इन दोनों ही स्टेट का जीडीएस रिजल्ट कब आएगा और इस साल आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ट्विटर पर भी पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहने वाला है यूपी का, और मुझे भी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि यूपी का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर एक वीडियो बनाने, क्योंकि एक मंथ से लगभग चैनल पर यूपी को लेकर वीडियो नहीं आई है। तो काफ़ी सारे लोग जो है इसको लेकर परेशान थे, काफ़ी सारी कमेंट आ रही थी कि यूपी का रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड आखिर डेट क्या रहने वाला है, उन्हें कब तक वेट करना है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इस साल आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पिछले साल का मेरिट लिस्ट है, और इस मेरिट लिस्ट को अगर आप देखेंगे जो कि 2020 में आई है, 2020 में साइकिल टू का रिजल्ट आया था, तो आप यहां पे देख सकते हैं नाम है, नंबर है, कैटेगरी है। अगर आप लोग शुरू में देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है और हमारा जो है चांस नहीं है, जिनका भी 90 से कम है उनका चांस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेरिट लिस्ट को नीचे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, और कट ऑफ जो आपका 80 प्लस पे भी सिलेक्शन होने का चांस रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी से 81.7 पे सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट है जीडीएस एबी पीएम। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे, ये तो कैटेगरी एससी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी पर 87.333 पे सिलेक्शन हुआ है। और अगर आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से 89.3 पे सिलेक्शन मिल जाएगा, 89.83 पे यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप लोग जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे 87.4 पे ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यूपी में कुछ जगहों पर कट ऑफ जो वो लो रहता है, एससी का आप लोग देख सकते हैं 88 पे सिलेक्शन है, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एससी का 89.3 पे सिलेक्शन है। मतलब जिनके पास भी 80 प्लस नंबर है, वो कोई सा भी कैटेगरी से आते हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका चांस है, आपके पास जो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि 80 प्लस पे सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर ई डब्ल्यू एस से 90 पे सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 95 वालों का सिलेक्शन होता, उससे कम वालों का भी सिलेक्शन होता, और जिनके पास 80 से कम है उनके पास भी चांसेस रहते हैं, लेकिन थोड़े से कम रहते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म डाले हैं और उनके पास चांस है, बस आप लोग किस जगह से डालें इस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूपी जीडीएस का रिजल्ट डेट जो था, लास्ट डेट टू अप्लाई वो 22 सितंबर 2021 था, यानी कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और लगभग 3 से 4 मंथ के बाद भी अगर मिनिमम रिजल्ट आता है तो यहाँ पे जो है 22 जनवरी के बाद ही आपके रिजल्ट आने का चांस है। तो मतलब अभी आपको वेट करना है 22 जनवरी 2022 तक, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को भी लाइक।